trapping out the bando. गाइस अब हम निकल गए, सारे तैयार हो गए। ये कुछ हमारा मतलब निकलने का हो गया, ये बाकी ये थर्ड भी तैयार हो गया अर्पित। चलो निकलते हैं अब घूमने के लिए निकलते हैं फाइनल, ठीक है? फिर वहाँ पहुँच के बताते हैं सबको। चलो भाई, तो गाइस ये है नैनीताल हाई कोर्ट, व्यू देख सकते हैं। अभी आपने सुना ही होगा यथार्थ ने क्या कहा तो उतना ही प्यारा लग रहा है, ठीक है? अब यार प्यारा तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, फैमिलीज भी देख पाए, आते हुए बाकी हाई कोर्ट भी घूमेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं केव की तरफ। केव बहुत एक अच्छी जगह है, बाकी मैंने पर्सनली भी नहीं देखी, देखते कैसा होता है। बाकी ये यहाँ से व्यू देखो यार, एकदम मस्त व्यू है ना यार, पहाड़ों का मजा ही अलग है, लिटरली पहाड़ों का मजा अलग है। ये है हाई कोर्ट से रास्ता केव की तरफ जाते हुए, और अब ये देखो कितनी ऊपर को है चढ़ाई, बहुत जबर। अभी केव जाते हुए हमने कुछ खाया नहीं था, तो सडनली हमें हमारा प्लान बना कि हम लंच करते हैं, और मैंने लिया दही और आलू पराठा, इन भाई साहब ने पराठा दही सॉरी आलू की सब्जी। क्या खा रहा है तू? इसको सबसे ज्यादा भूख लग रही थी भाई, देख ले भाई देख। इसको सबसे ज्यादा भूख लग रही थी चलो अब हम लंच करके फिर मिलते हैं। सो गाइस अभी हम निकल गए हैं केव गार्डन की तरफ, लंच वंच हमने कर लिया था, और बाकी ये अर्पित ये साथ हम सारे जा रहे हैं केव गार्डन की तरफ। केव गार्डन का रास्ता हमें मिल नहीं रहा लंच की तरफ। ये मन्नू महारानी है, मन्नू महारानी से ऊपर को है, और ये देखते हैं कब तक पहुँचते। तो यारो जैसा कि आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है यार, मतलब ऐसा लग रहा है बस नैनीताल में एक घर ले लूँ और नैनीताल में ही रह लूँ, लेकिन इट्स मतलब पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि और भी काम है यार। व्यू कितने जबरदस्त है यार, बट हाँ यहाँ की लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट है। जाते जाते ना ये व्यूज जरूर देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्म में चले ही जाओ, व्यूज बहुत मस्त है। ये जो सामने सूरज दादा आ रहे हैं ना, इसके वजह से और मज़ा आ रहा है। मज़ा इन द सेंस पहाड़ों पे ना बहुत सही मज़ा आ रहा है, मतलब अच्छे से रोशनी पड़ रही है तो पहाड़ भी चमक रहे हैं, तो बहुत क्लियर दिख रहे हैं। या तो क्लाउडी होता है ना, तो क्लाउडी में मज़ा नहीं आ पाता, क्लाउडी में थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन जब क्लियर हाँ धूप लग रही है, थोड़ी गर्मी लग रही है, दैट्स अनदर थिंग, बट हाँ मज़ा आ रहा है। ऐसे देखो कितने क्लियरिटी है, सुखताल है केव जो है, सुखताल। तो ये केव जो है हम गार्डन केव जा रहे हैं जो है सुखताल में, ये कुछ भी नहीं है टूरिस्ट, 200 मीटर में हम पहुंच जाएंगे। तो ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से सिर्फ 100 मीटर आ गई है गार्डन केव। यहाँ बहुत फेमस है गार्डन केव, बहुत अच्छा है, घूमने लायक है, और गर्मियों में तो जाना चाहिए। कहते हैं कि वहाँ की गुफा में ठंडा और ठंडक है गुफा के अंदर। वैसे तो होटल्स में, यहाँ के होटल्स में फ़ैन वगैरह नहीं है, रीज़न बिहाइंड इट कि रात को ठंड रहती है, चाहे आप किसी मौसम में हो। अब हम जा रहे हैं 200 मीटर दूर है यहाँ से गार्डन केव। तो गार्डन केव में बढ़िया है सब कुछ, सुना है वहाँ की जो जो माउंटेन्स है उसके अंदर ना बहुत ठंडा रहता है, तो अच्छा रहेगा, थोड़ा रिलैक्स फील होगा, मे बी रिलैक्स फील हो, जैसा सुना है वैसा ही हो। बाकी जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और आपको भी दिखाते हैं। डन,
व्यूज बहुत अच्छे लग रहे हैं, व्यूज बहुत प्यारे हैं। ये गार्डन केव है, हम पहुंच गए गार्डन केव में। इसका नाम है इको गार्डन पार्क, इको केव पार्क। यहाँ टिकट है, यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। ये 100 रुपए की एडल्ट्स की है और बच्चों की 60 रुपए की है, कुछ इस तरीके से है ये टिकट। बाकी ये है केव गार्डन। ये भैया यहाँ पे खड़े होते हैं हमेशा, हमेशा खड़े रहते हैं। ये ठंडा बहुत है, ठंडा शायद यहाँ पे ग्रीनरी है इस वजह से ठंडा है। और कुछ इस तरीके की है यहाँ पे स्टेयर्स, ये स्लिपरी है, पूरा ट्रैक वाला फील है। वाइल्ड लाइफ नेचर जिसको एक गार्डन केव में दिखाया गया। वैसे तो टूरिस्ट बहुत आते हैं, बहुत अच्छा भी होता है। वहाँ पे टिकट चेक हो रही है, हमने टिकट ली थी बार, 100 रुपीज पर पर्सन टिकट है। सिटिंग्स भी है बैठने के लिए कि आप थक जाओ तो, और अलग अलग अम्यूजमेंट्स है। ट्रैकिंग पे बहुत अच्छा एडवेंचर है, बहुत नाइस आना वर्थ। ये मैप है, यहाँ का गाइड मैप कुछ ऐसा है। इसकी फोटो ले लो साला, आप पता है बुल राइड करनी है ना? ये बुल राइड है, बुल राइड करनी है तो 60 रुपए इसके। नहीं नहीं ये फ्री, 60 रुपए इस चीज के। तो ये बुल राइड कुछ ऐसी जो अम्यूजमेंट्स है उसके पैसे भी है। अभी सब कुछ बहुत बढ़िया है गाइस, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता ना, तो कुछ बेटर देखने के लिए कुछ तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बाकी ये देखिए बेस्ट है, तो बहुत बेस्ट है। ये बुल राइड है, यहाँ पे बुल बैठेगा, बुल मतलब हमारे यथार्थ बैठेगा। बैठना है तो बैठो, नहीं तो बुल को देख के तुषार की याद आ गई। इसके 60 रुपीज अलग है। बहुत अच्छी लोकेशन है यार ये है। तुम सिखलाते हो अपने आदर्शों में अडिग रहना और मार्गदर्शन करना। इसका मतलब है कूड़ा कचरा ना फेंके यार, नेचर को बर्बाद ना करो। जितना भी कूड़ा है कुछ भी खाते पीते हो, खाओगे पियोगे इट्स नेचर, बट कूड़ेदान का यूज जरूर करो। टाइगर केव, पैंथर केव, ये सब कुछ पढ़ लेना गाइस, मन नहीं कर रहा पढ़ने का। बैट्स केव, फ्लाइंग फॉक्स केव, यही पढ़ सकता है क्योंकि ये लो कर रहा है। फ्लाइंग फॉक्स केव, एप्स, अबे एप्स केव में चलते हैं, मैं बंदर देखेंगे। एप्स केव, एप्स केव, चूती है एप्स उठाओ। एप्स केव, मस्त है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टांडा जंगल में घूम रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, ऐसा मत समझना, क्योंकि हमारे में किसी में भी दम नहीं है कि टांडा जंगल घूमने जाए, राइट? ये जितने खुले आम से ये सांड घूम रहे हैं ना, इस सांड के सामने अभी तक असली होता भाग जाता। वो इसको थोड़ा देख लेना यार, बहुत चढ़ाना है यार, बहुत ट्रैक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। ये फ्लाइंग फॉक्स, ये भी 60 रुपीज का है। तो यहाँ पे अम्यूजमेंट्स के पैसे हैं, कुछ भी फ्री नहीं है। फ्लाइंग फॉक्स की तरह ये ना, फ्लाइंग फॉक्स बोर्ड लगा तो है। ये पोर्क्यूपाइन है, पोर्क्यूपाइन केव है, स्पीकर लगा के रखे हुए, अंदर जाना है। हाँ इसके अंदर जाना है, नहीं है जो बोले सो निहाल, लेकिन पीछे जाते हैं। हाँ ये स्पीकर है, यहाँ से आवाज आ रही है पोर्क्यूपाइन की, लेकिन पोर्क्यूपाइन है नहीं। ये गुफा है यहाँ की, ठीक है।
एडवेंचर एडवेंचर है भाई। कोई है नीचे? हाँ चलो आओ। नहीं है, आ जाओ। मजा आ रहा है, देखो लाइट्स भी है यहाँ पे और ठंडा बहुत है। आओ है, लोग आके जा रहे हैं यार, जल्दी आओ। अबे नहीं यार, आजा बाहर आजा यार। अबे बहुत मस्त है भाई, एडवेंचर है भाई, निकल जाएगा भाई, बड़ा मजा आ रहा है। रीजन ये ठंडी जगह, अरे ठंडी जगह, मेरी हाइट भी बहुत छोटी है, लेकिन भाई जिनकी लंबी इन लोगों से बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, जिनकी लंबी हाइट है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, और हमें तो नीचे बैठ के भी जाना, क्रॉल करके भी जाना पड़ सकता है। देखो ले, हमें नहीं बैठे यहाँ, ये तो क्रॉल करके जाना पड़ रहा है। साहब आप तो नहीं अंदर? नहीं, चलो चलो, फाइनली हम ऊपर आ गए हैं। भाई आजा, आराम आराम से आजा। आजा यथार्थ, यस यू कैन डू इट। ये चले गया भाई, चला गया सच में। तू फ्रंट से चला गया, बैक ही चला रहा है। चलो भाई, यथार्थ ने तो उम्मीद छोड़ दी। चलो ये बैट्स केव है, एक केव तो पूरी हुई हमारी। बैट केव है जहां से हम जाने की सोच तो रहे हैं भाई। हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन देख लो अब हम आपके लिए क्या क्या करते हैं। तो इसके लिए एक लाइक कमेंट और शेयर तो बनता है। ओ भाई यार, ये गलत चीज है, ये पानी की बोतल है ना, यहाँ मत फेंका करो। ये सारे टूरिस्ट से ना विनम्र क्या कहते हैं उसे, प्रार्थना है। हाँ है, मैं निकल गया तो तू तो निकल ही जाएगा। अब हाइट नहीं, यहाँ मोटापा देखा जाता भाई, हाइट से भी हो रहा है यार, पर बचाने के लिए भी क्रॉल करना पड़े भाई, क्रॉल क्रॉल कर। तो गाइस आप देख सकते हैं लंबे हाइट वालों के लिए कितना बुरा है, और मोटे लोगों के लिए भी। हमारे साथ एक मोटा आया था, वो नहीं आया अभी। नीचे बैठ बैठ के चलो, ठीक है, आराम से कंधे गाइस, जब भी आप आओ आराम से आओ, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है, लेकिन करो जरूर, क्योंकि यादगार एडवेंचर है। होमे दे लाइक एडवेंचर ना, उनके लिए बहुत बेस्ट है। ये देखो घूम के आ रहा है, आ गए। हाँ भाई, आ गया स्वाद। वो कफ़न के साले मजा आ गया, लेकिन हाँ भाई आ गया स्वाद। ये क्लिप मुझे भेजना, आ गए। आ भाई आ गया स्वाद। वो कब फंस गया साले, हाँ भाई आ गया स्वाद। ये क्लिप मुझे भेजना, क्लिप मुझे भेजना, आई क्लिप मुझे भेजना, आई। ये गुफा में से कौन निकल रहा है, फ्लाइंग फॉक्स? नहीं रो, सांस कितनी फूल रही है। अरे भाई लंबे हाइट वालों और मोटे वालों, ये भाई साहब इसीलिए मैं ऊपर से आया था, मेरे को शौक नहीं फंसने फंसाने। ये जो आवाज सुन रहे हो ना, ये है फ्लाइंग फॉक्स की आवाज, ये है बैड बैड मतलब चमगादड़, जिसकी वजह से COVID-19 आया। ठीक है, इनको फोटोज खिंचवानी है, अंदर से आना नहीं है। अबे अंदर उधर एक और केव है फ्लाइंग फॉक्स के ऊपर।
ये है बाहर जाने का रास्ता। हमने दो केव्स तो वहां से पार कर लिया। पहली कौन सी थी? बैट केव्स। दूसरी थी एप्स केव। अब आने वाली है एप्स केव और एक वो चिड़ियों वाली केव। हाँ नहीं, पोर्क्यूपाइन केव और दूसरी थी बैट केव और तीसरी है फ्लाइंग फॉक्स केव। तो तीनों में साउंड से फ्लाइंग फॉक्स बंद है शायद। एप के अगली एप के पर शायद फ्लाइंग फॉक्स बंद। नहीं बंद नहीं है वो, देख वहां पे फ्लाइंग फॉक्स। सुन अब का चल रहे ये यहां से है ना, इधर चलो। वो तो थर्ड केव आ चल तो रहा। चलो अब इस बार तू आ जाएगा। अरे चलो भाई, ये है फ्लाइंग फॉक्स केव। तो ये थोड़ा स्लिपरी है, तो थोड़ा देख के। हाँ भाई स्लिपरी है, थोड़ा देख। ठीक है ऐसे ना हो तुड़वा ले कुछ भी। ठीक है आगे एप्स केव है। एप्स केव सॉरी, ये कुछ नहीं है, ये केव है एक छोटी सी। ठीक है अंधेरा है, बाकी स्लिपरी बहुत है। ये ठंडा क्या, लेकिन यहाँ पे बहुत बेटे। ये है बेटे एप्स केव, ये फ्लाइंग फॉक्स थी। हाँ इसमें से निकला कैसे जाएगा? नहीं यहाँ से तो नहीं निकल पाएंगे अपने। एप्स केव है, यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच सकते। वो अरे वो पत्थर गिरा हुआ है शायद, देखे रुक में जाके देख। जा गिरा और ये भी गिरा हुआ देख। ये बहन चुप हाँ, जाएंगे। हाँ ये भी गिरा हुआ है, ये पत्थर गिरे हुए हैं। तो रिस्की तो है यार, लेकिन ठीक है ये सब पत्थर गिरे हुए हैं। एप्स केव में नहीं जाते, ये यहाँ से रास्ता बंद है क्योंकि एप्स केव से निकलते हैं यहाँ है। चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। एप्स केव में नहीं जा पाएंगे, रीजन मैंने आपको बताई दी। पत्थर गिर पड़े और थोड़ा देख के आना, कूदना मत बस। चलो बहुत मजेदार है, हाथ पकड़ लेना उसका भाई। मस्त है लेकिन, एडवेंचर है, आना लायक है भाई। पैसा वसूल है कि नहीं है? एडवेंचर वसूल है और अभी तो आगे भी है। आगे भी है, इतना ही वसूल हो गया। तो अगर आप एडवेंचर पसंद कर दो ना तो जरूर आओ। ये साउंड सिस्टम है कुछ ऐसे, तो यहाँ पे हर केव में तो बाहर आ गए हम। अभी क्या ये कैंटीन है ऊपर, मोमोज नूडल्स मतलब जो भी आपको खाना है वो है कैंटीन। ये कैंटीन है, हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये हमारी तीनों केव्स पूरी हो गई। हम बैठे थे थोड़ी देर के लिए, कुछ फोटोज खींचिए। आगे शेर है, ऐसा सुना जा रहा। देखो वाली केव यहाँ निकलती। हाँ मैंने बोला था एप्स केव, ये है वो एप्स केव जो बंद हो रखी है। पता नहीं बंद हो रखी भी है कि नहीं हो रखी, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्या है क्या वीडियो बनाओ उसमें से सिनेमैटिक्स खींचने लगा दो सेक्शन में। अब हम चल रहे हैं, बहुत सेक्सी सब हो है। आ रहा देखो सामने, ऊपर कैंटीन है और बाकी अम्यूजमेंट्स भी बहुत बढ़िया है। बड़े भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं। टिकट्स पूछते हैं इसके सामने, शायद गेस्ट हाउस है कॉलेज है कोई। बाकी ये अम्यूजमेंट है और ये यहाँ के कुछ सीन्स पूरा नैनीताल यहाँ से।
करके चल रहा है और देखो क्या व्यू है यार, मतलब मेन पैसा इस व्यू का है और कुछ नहीं है। ऊपर देखो बहुत सही, वर्थ है, जबर है ये, जबर। यथार्थ आना कैसा रहा, वर्थ रहा? हाँ बढ़िया, रिकमेंड करेगा? हाँ जरूर, नैनीताल आओ, केव ना घूमो तो बात ही बेकार है। बेकार, बात ही बेकार। अरे ना घूमो तो बेकार है। अर्पित कैसा रहा भाई? भाई वर्थ रहा, बिल्कुल वर्थ रहा ना, बहुत मजा आया भाई। तुषार तेरे को आना चाहिए। बाकी यार व्यूज देखो, मैं तो व्यूज देखते ही बस, सिर्फ व्यूज ही दे रहा हूँ लिटरली। यहाँ से नैनीताल क्या खूबसूरत है, आये हाय पहाड़िया। अम्यूजमेंट से नीचे उतरते ही ये बच्चों के लिए कुछ प्लेइंग एरिया है, यहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और ये भी है 10 रुपये पर पर्सन, यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। बाकी ये बैलून्स को फोड़ सकते हैं जैसे मेला में होता है वैसे। यहाँ पे कुछ परचेज करना है, कुछ बोट कुछ भी खरीदना है खरीद सकते हो। फैसिलिटीज़ है, ऐसा नहीं है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो बोल राइड, वो यहाँ से दिख रही है। अब एग्जिट कर रहे हैं हम। 100 रुपये पैसा वसूल है भाई, है नहीं है 100 रुपये पैसा वसूल? कोई कह नहीं सकता इसकी जगह यार ये कर लेते तो बेस्ट होता। नहीं बेस्ट, अरे भाई ये अपनी खुद की लिटरली, हम खुद मतलब नैनीताल के इतना पास रहते हैं और हम नैनीताल आते भी रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हम नैनीताल फर्स्ट टाइम आए हैं, बट हमें नहीं पता था। तो आप कहीं पर भी, अगर आप अपने शहर में भी रहते हो ना, सपोज मैं रामपुर रहता हूँ, ठीक है, और रामपुर में ही और बहुत चीज़ें होगी एक्सप्लोर करने के लिए, जो चीज़ मैं जानता भी नहीं होगा वो तक मिल जाएगी मुझे। तो जैसे हम नैनीताल बचपन से आ ही रहते हैं, बट हमने आज तक ये जगह ये चीज़ नहीं देखी थी भाई। जबर चीज़ है, पैसा वसूल भाई। अब नैनीताल भी बोल रहा है हमको चाहिए फुल इज्जत। हमारे पास भी बहुत कुछ है, मनाली मत भागो, नैनीताल भी आओ, इज्जत करो हमारी। सो इट्स एंड ऑफ द जर्नी, मतलब गार्डन केव जर्नी का एंड है। और ये बाबा बैठे हुए, अभी बैठे हो तुम? चलो बैठे हो। ये कपल्स ट्रिप, मतलब कपल्स एरिया भी है, तो यहाँ पे फैमिलीज, न्यूली मैरिड कपल और नॉर्मल कपल्स और हम जैसे बैचलर्स जो सिंगल्स ही है। खैर मेरा तो मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। बाकी ये और ये बहुत ज़्यादा वाले सिंगल है, ठीक है। अरे आप दोनों भी अभी तक नहीं, तभी कोई ना बैठे रहो। चलो मिलते हैं चाचा।